पुष्पा झुकेगा नहीं। ये सिंगम भी काफी एक्साइटेड हो गई। अजय देखो, क्योंकि मुझे पुष्पा इतनी अच्छी नहीं लगी थी। सिंगम पुष्पा सिंगम, मैंने बोल दिया ना पुष्पा का राज चलने वाला है। सिंगम 3 एकदम सुपर डुपर हिट होनी तय है। जो सिंगम 3 आएगा वो धमाल मचा देगा। हे गाइस, स्वागत है आपका जेपीटी एंटरटेनमेंट चैनल में, और मैं आपके साथ दिया और मैं भास्कर, और हम स्वागत करते हैं आपका अपने पॉपुलर शो बॉली टॉक्स में। तो जैसा कि हमने देखा कि रोहित शेट्टी, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह और अजय देवगन, इन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर एक फोटो शेयर की है जिसमें वो क्या करते नजर आए बताओ। जी हाँ, वो पूजा करते हुए नजर आए हैं। सिंघम अगेन आने वाली है थिएटर्स में अगले साल, तो उसकी शूटिंग जो है शुरू होने वाली है। तो यही जानने के लिए हम अंदर चलते हैं और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि क्या उनका रिएक्शन है सिंघम अगेन को लेकर। तो इंतजार किस बात का है, चलिए चलते हैं। अब मैं आ गई हूँ न्यूज रूम के अंदर और हम बात करते हैं काम कर रहे लोगों से। तो सर, हम एक सवाल का जवाब दीजिए, जैसे कि सिंघम अगेन आ रही है तो इसमें जो है चार एक्टर्स देखने को मिले, तो ऐसे में आपका सबसे फेवरेट एक्टर कौन सा है? अजय देवगन। अजय देवगन, और अगर पुलिस के रोल में किसी और एक्टर को देखना पसंद अगर आप करें तो वो अजय देवगन के अलावा और किसको करेंगे? मेरे को तो और कोई अच्छा ही नहीं लगता। अजय देवगन ही अच्छा लगता है। तो देखा आपने, इन्हें सिर्फ अजय देवगन ही पुलिस के रोल में अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे हमारे बीच में सर मौजूद है। सर, सिंघम 1 आपने देखी थी एंड उसके बाद अब सिंघम के आगे पार्ट्स आए, सिम्बा आई, सूर्यवंशी आई, अब सिंघम 3 आने वाली है। तो आप सिंघम 3 के लिए एक्साइटेड हैं कितना है? बिल्कुल एक्साइटेड है। उसमें जो जयकांत सिकरे वाला अजय देवगन का रोल था वो दोबारा पसंद आ रहा है कि वो जी मतलब पहली फिल्म में जो कैरेक्टर था जयकांत सिकरे का, वो सर आपको मतलब बहुत पसंद आया था? बहुत पसंद। तो अब 3 में भी सर को यही उम्मीद है कि वैसे ही एक बढ़िया कैरेक्टर नजर आए। सर, आप हमें ये बताइए कि सिंघम अगेन जैसे कि आने वाली है और ये सिंघम जो है और पुष्पा 2 जो है, ये दोनों ही एक ही दिन यानी कि 15 अगस्त 2024 को जो है सिनेमा घरों में दस्तक देंगी, तो आपको क्या लगता है कौन सी मूवी जो है ज्यादा हिट जाएगी? जी देखिए, जैसे कि आपने खुद ही कहा कि दोनों जो मूवीज हैं, चाहे पुष्पा 2 या फिर सिंघम 3, ऑलरेडी सक्सेसफुल फ्रेंचाइजीज हैं और इन दोनों ने बहुत ही स्ट्रेटेजिकली ये सोचा कि 15 अगस्त जो कि अगले साल इंडिपेंडेंस डे है उसका हम मौका चूज करें, ताकि एक तो हॉलीडे होती है, जाहिर सी बात है थिएटर्स लोग बड़ी संख्या में जाएंगे। जहां तक मेरा सवाल है, दोनों एक तो अलग जॉनर्स की फिल्में हैं, एक पूरी पुलिस बैकग्राउंड पर बनी हुई है, सिंघम एक सक्सेसफुल फ्रेंचाइज भी है। तो यहां पे हम अगला सवाल पूछेंगे मैम से। मैम, सिंघम 3 अनाउंसमेंट हो चुकी है सिंघम अगेन की, तो पहली सिंघम आपने देखी थी वो आपको कैसी लगी? हाँ, पहली सिंघम तो बहुत ही मज़ेदार मूवी थी, उसमें पूरा भरपूर मात्रा में एक्शन भी था और उसके बाद एक्टिंग भी थी और फिर कॉमेडी भी था। बिल्कुल। तो अब दर्शकों को और मुझे खुद सिंघम 3 का बेसब्री से इंतज़ार है कि इसमें भी ज़रूर वैसा जो जैसे सिंघम 1 थी वैसे उससे ज़्यादा बेहतर होगी। इस चीज़ के लिए हम काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और उम्मीद है कि ये सिंघम भी काफ़ी एक्साइटेड होगी। तो सर, सिंघम अगेन आने वाली है एंड कल अनाउंसमेंट हुई, बड़ा फ्रेंचाइज है, कॉप यूनिवर्स है, इंडिया में पहली बार ऐसा यूनिवर्स बन रहा है, इससे पहले स्पाई भी बना है पर ये, तो इस जो फ्रेंचाइज है इसके लिए मतलब आगे वाले पार्ट्स के लिए आप कितना एक्साइटेड हैं वो एक बार हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, जब सिंघम फर्स्ट आई थी मुझे याद है, हम लोग उस समय 9th में पढ़ रहे थे, उससे एक गाना था बदमाश दिल ठग है बड़ा, अब मुझसे गाना मत गवाइएगा, वो गाना हम लोगों ने खूब याद किया था, खूब गाया भी था। और मुझे याद है हम लोग फर्स्ट दिन फर्स्ट शो देखने गए थे, हम लोग पूरी टीम गए हैं, स्कूल फ्रेंड के साथ गए हुए थे, तो जाहिर सी बात है कि अजय देवगन की मूवी जो आती है मेरे एक तरह से फेवरेट एक्टर वो हमेशा से रहे हैं, तो इस बार भी उनकी यार हमें बेसब्री से इंतजार है, जरूर हम लोग उसे देखने जाएंगे, इसके लिए बहुत एक्साइटमेंट है। सर, सिंघम अगेन आ रही है और आपने इसके पहले वाले पार्ट्स भी देखे होंगे, तो इसमें से कौन सा सबसे बेस्ट पार्ट आपको लगा था? देखिए, फर्स्ट पार्ट, क्योंकि वहाँ पे जब प्लॉटिंग होती है जिस तरीके से मूवीज की और जिस तरीके से एंट्री होती है हीरो की, जाहिर है कि बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सेकंड पार्ट में फिर उसी स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, और अगर थर्ड पार्ट आ रही है तो जाहिर है कि उसमें स्टोरी लाइन कुछ अलग होगी, कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा, एक्शन उसमें अपग्रेडेड रहेगा, एक्शन बहुत अच्छा देखने को मिल सकता है। तो मैम, सिंघम अगेन का अनाउंसमेंट हुआ है रिसेंटली एंड फैंस में एक्साइटमेंट है, पर हॉलीवुड में इस टाइप की फ्रेंचाइज फिल्में पहले बनती आई हैं, अब इंडिया में कॉप यूनिवर्स पाई यूनिवर्स बन रहा है, तो आपको क्या लगता है कि इंडियन सिनेमा उस लेवल तक आगे चल के पहुंच पाएगा कि नहीं?
देखिए इंडियन सिनेमा ऑलरेडी बहुत आगे है, अगर आप हॉलीवुड के साथ कंपेयर कर रहे हो तो हॉलीवुड वाले भी तो देखिए बॉलीवुड के साथ कंपेयर करते हैं। रही बात देखिए एक्शन फिल्म्स की, तो निश्चित तौर पर हॉलीवुड के एक्शन सीन काफी अच्छे रहते हैं, वो इस वजह से भी क्योंकि उनके पास टेक्निक है, काफी ऐसी चीजें हैं। लेकिन अगर आप इंडियन सिनेमा की बात करो तो इंडियन सिनेमा भी परचम फहरा रहा है, ऑस्कर तक पहुंच चुका है और कई जो हमारे अवार्ड्स हैं वो इंडियन सिनेमा के ही हाथ है। अभी सिंघम अगेन आने वाली है और आपने सिंघम के बाकी जो पार्ट्स आए हैं इससे पहले वो भी देखे, कौन सा पार्ट आपको सबसे बेस्ट लगा? मुझे अब तक सिंघम के सभी पार्ट्स अच्छे और आपको उम्मीद भी क्या है जो आ रही है, जो नई फिल्म आ रही है सिंघम अगेन, मुझे लगता है उससे भी उम्मीद अच्छी है कि। तो देखा आप सभी ने क्या देखा कि कैसे हमारे दर्शक एक्साइटेड हैं सिंघम अगेन की अनाउंसमेंट को लेकर, और क्या आप एक्साइटेड हैं सिंघम अगेन को लेकर, और क्या आपको लगता है कि पुष्पा 2 और सिंघम अगेन में से कौन सी मूवी हिट जाएगी, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए, तमाम ऐसी मजेदार वीडियो के लिए देखते रहे जेबीटी एंटरटेनमेंट चैनल को, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, बने रहे हमारे साथ हमारे पॉपुलर सेगमेंट बॉली टॉक्स के लिए।